सुलेमान गिल चीफ ऑर्गेनाइजर और सेक्रेटरी इत्तलाआत शरियात मिनॉरिटी नेशनल अलायंस बलोचिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि गुज़श्ता कुछ अर्से से बलोचिस्तान में डोमिसाइल के हसूल के लिए शर्त में तब्दीली लाई गई और डोमिसाइल के हसूल के लिए मकामी इलाके में प्रॉपर्टी के होने की शर्त को लाजमी करार दे दिया गया। इस फैसले से अकलियतों के मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है, जो सरासर एक नाइंसाफी है, और अब मकामी अकलियतों के साथ गैर मुल्कियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है कि मकामी लोग अपने मुल्क और अपने ही इलाके के रिहायशी होने के लिए दुहाइयाँ दे रहे हैं। मिनॉरिटी नेशनल अलायंस पार्टी बलोचिस्तान इस अमल की पुरजोर मजम्मत करती है। इस शर्त की वजह से अकलीती अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और अकलीती अवाम फंड, स्कॉलरशिप्स और मुलाजमतों जैसे अहम मामलात के हसूल से भी महरूम हो गए हैं। लिहाजा मिनॉरिटी नेशनल अलायंस पार्टी और बलोचिस्तान की अकलीतें पुरजोर मुतालबा करती हैं कि डोमिसाइल से प्रॉपर्टी की शर्त को ख़त्म किया जाए। गरीब अकलीतें जो दो वक्त की रोटी खाने से कासिर हैं, वो जायदादें कहाँ से खरीद कर लाएं। लिहाजा हम बलोचिस्तान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस शर्त को ख़त्म करके अकलीतों के इस्तेहसाल को रोका जाए और जिस तरह पहले अकलीतों को अपनी मकामी इबादतगाहों से तस्दीक सर्टिफिकेट जारी होते थे, इस निज़ाम को दोबारा बहाल किया जाए। अगर हुकूमत बलोचिस्तान हमारे जायज़ मुतालबे को तस्लीम नहीं करती और इस पर कोई लाहे अमल नहीं बनाती तो मिनॉरिटी नेशनल अलायंस पूरे बलोचिस्तान में DC ऑफिस के बाहर धरना देगी और भरपूर एहतजाज करेगी।